This conference will now be recorded. अद्य बुधवासर अथवा सोमवासर आषाढ़ शुद्ध द्वादशी दिनांक 21 जुलाई 2021 चरक निदान सहाय शंखं चक्रं जलपान दशतमृतघटं चारु दोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिहृत्यां शुक परिविलसन् मौनिमनोभोजनेत्रं तालाम्भोदोच्छलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलं प्रौढदावाग्निलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयार्थेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यथार्यं प्रतनोत्सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादाः पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षम् ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हिताशिष्यान् विताशिष्यान् कालभोजी जितेन्द्रियः पश्यन् रोगान् बहून् कष्टान् बुद्धिमान् विषमाशन् तर्हि विषमाशनात् बहून् कष्टान् बहून् कष्टान् रोगान् पश्यन् बुद्धिमान् हिताशिष्यान् निताशिष्यात् कालभोजी जितेन्द्रियः जितेन्द्रियः बुद्धिमान् तो जितेन्द्रिय जो बुद्धिमान इस प्रकार का है वो विषमाशन से उत्पन्न होने वाले बहुत कष्टदायक रोगों को देखकर हिताशी मिताशी और कालभोजी रहे तो हितकारक पदार्थों का ही सेवन करे मित जितना आवश्यक है उतना ही सेवन करे और कालभोजी योग्य समय पर भोजन करे प्रकोप होने पर वो विविध प्रकार के उपद्रव उनके द्वारा शरीर का उपशोषण इस प्रकार के करते हैं तम सर्व रोगाणाम कष्टतमत्वात् राजे यक्ष्माणं आचक्षते विशुचः तो सभी रोगों में ये कष्टतम होने के कारण उसको राजे यक्ष्मा तो यक्ष्माणाम राजा राजे यक्ष्मा तो सभी रोगों का राजा इस प्रकार से वो राजा यक्ष्मा कहा जाए स्वत्वा पूर्वस
आसीत भगवता सोमस्य उड़रागस्य प्रस्तात आदेशम। वहां पहले जो चंद्र है सोम उड़ुराज है, उड़ुर होने के नक्षत्र है, ये काफी अलग शब्द है। तो नक्षत्रों का राजा जो चंद्र, तस्मात राजा यक्ष्मण, राजा यक्ष्मा इति, तो राजा को हुआ रोग, इस प्रकार से राजा यक्ष्मा इस प्रकार का कहला जाता है। और ये काफी प्रचलन में भी है वास्तव में, कि राजा यक्ष्म एवं रोगाणाम समूह समयी कृपा नवेदीय यदसा वे को जेतव्य चेदराण। उद्धव कृष्ण को सलाह देते हैं कि ये तो चेदी शिशुपाल जो है वो एक राजा है, ऐसा मत कहो। राजे यक्ष्मे व रोगाणाम समूह स्तुमी कृपा, जैसे राजे यक्ष्मा रोगों का समूह है, उसी प्रकार ये भी राजा लोगों का समूह इस प्रकार का है। तो शिशुपालवत ये जो मार्ग की रचना है काव्य रचना, इसमें से ये श्लोक है। और इस प्रकार से साहित्य में भी राजे यक्ष्मा के बारे में निर्देश मिलते हैं। तो ये केवल आयुर्वेद में ही ये मिलेंगे ऐसा नहीं, लेकिन बाकी ग्रंथों में भी इसके बारे में आते हैं। सूर्य नाड़ी स्वर दाहिनी नाड़ी शुरू आहे तब भोजन करना चाहिए, ऐसा कल कल्याण नामक मासिक में पढ़ा। हमारे ग्रंथों में भी ऐसा रेफरेंस है क्या? नहीं है। तो नाड़ी के बारे में उलटकर सर का एक कहना था, शिव स्वरोदय ये किताब है, अवेलेबल है ऐसा, मेरे पास भी थी लेकिन वो नष्ट हो गई। तो उसमें ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी वगैरह के बारे में बहस है, और कुछ हमें इस प्रकार योग शास्त्र के ग्रंथों से लेना पड़ेगा। ये जैसा उदाहरण है, मैंने कि भोजन करते समय सूर्य नाड़ी होनी चाहिए दक्षिणा, वैसे ही जब हम ये पुंसवन करते हैं तो अगर पुंसवन के लिए दक्षिण नाड़ी चालू रहनी चाहिए, चालू होनी चाहिए, और स्त्री सवन के लिए वाम नाड़ी चालू होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो ये निष्फल होगा नस्य करना। तो ये कुबड़ी, ये जो लोग पहनते थे बैठे बैठे भी कुबड़ी का प्रयोग करते थे, वो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पर नियंत्रण पाने के लिए करते थे। अभी भी जो योगी इस प्रकार से एक आसन पे बैठकर तपस्या करते हैं, वो अपनी इच्छा से सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी चालू करते हैं। तो अगर बाएं स्कंध पर लेटे रहे तो दक्षिण नाड़ी शुरू हो सकती है, ऐसा एक थोड़ा सा है। तो देखना चाहिए ये सब करके, और उसके आधार पर फिर ज्योतिष भी इस प्रकार का है। तो ये एक अलग ही विज्ञान है, लेकिन एक भावसार सर ने एक अनुभव बताया था, जबकि वो भावसार सर संस्कृत के जहाँ के जो टीचर थे वैद्य बापू नानल और दो वैद्य मालूम है पर नाम नहीं है क्या है, वो सफर कर रहे थे पुणे से बंबई, और एक छोटा बच्चा था उसको तेज बुखार था और किसी पक्ष के पास दवा भी नहीं। तो भावसार सर ने कहा कि दाहिनी नाड़ी उसकी बंद करो फोर्सफुली और सिर बाएं नाक से सांस लेने दो। ऐसा करने पर बुखार उतर गया, कुछ हद तक तो उसको राहत मिल गई इस तरह से। तो ये सिंपल टेक्निक है कि सूर्य नाड़ी जो है वो दाहिनी नाड़ी है और वाम नाड़ी जो है वो चंद्र नाड़ी इस प्रकार की है। तो उष्णता अगर बढ़ानी है तो सूर्य नाड़ी को चलने देना है, और शैत्य अगर बढ़ाना है तो बाएं नाड़ी को बढ़ाना देना है। तो लेकिन फिर भी मैंने ज्यादा प्रयोग
इन सभी बातों का नहीं किया है। जब तेज बुखार होते हैं तो इसमें ये डेफिनेटली चंद्रनाड़ी का प्रयोग करना है, ये थोड़ा सा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि ये इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ये तो तीन नाड़ियां बताई जाती है, तो उनको बलि भांति देखना है और उनका कब कैसे प्रयोग करना है ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। और शायद मैं भी आकांक्षा रखता हूँ कि ये शिव स्वरोदय जो किताब है, छोटी किताब है, रखता हूँ वो देखे इस प्रकार के लिए। महाभूतों के आधार आकार भी शिव स्वरोदय में दिए गए हैं, तो ये भी शायद करे तो अच्छा रहेगा। भोजनोत्तर वाम कक्षी करून दक्षिण सूर्य नाडी चालू होते, विपरीत दिशेवर सत्तावीस नाडी चालू करायची त्याच्या, बरोबर। तो उसमें वैसे बताया गया है योगरत्नाकर ने कि पहले दक्षिण कक्षी पे सोए 8 श्वास, फिर मध्य में 16 श्वास, और फिर वाम कक्ष में सोए 32 श्वास, इस प्रकार का बताया गया है। और सोना नहीं अपेक्षित, सिर्फ लेटना है। तो इससे ये नाड़ी का प्रचलन अच्छे तरीके से होता है। बड़ा प्रतिश 8 श्वास 16 श्वास बड़ा लगे, सर थोड़ा एक संक्रमण ये है बताया गया है। हाँ ना, शतपावली, और फिर ये करना है प्रतीक्षा स्थान दक्षिण नाड़ी कार्यान्वित करा, कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शायद इसके बारे में कुछ संशोधन हो जाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वैसे स्वस्थवृत्त में काफी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम थोड़ा दूसरे शास्त्रों से सीख सकते हैं। ये नाड़ी का विज्ञान योग से ले सकते हैं, मुद्रा का विज्ञान ले सकते हैं। तो मुद्रा कहाँ से आई है, मेरे ख्याल में योग से ही आई है, तो ये भी थोड़ा सा देखेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। तो ये पहले इस प्रकार से चंद्रमा को हुआ था, और 27 नक्षत्र उसकी भारियां ये हैं, और सभी के साथ समान बर्ताव होना जरूरी था, लेकिन रोहिण्या मति सत्यस्य, रोहिणी नक्षत्र में वो ज्यादा संलग्न हो गया और इसके लिए उसको शाप मिला प्रजापति से कि तुम्हें यक्ष्मा हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये देखना जरूरी है कि इसके पीछे जो पौराणिक कथाएं इस प्रकार की है उनका मतलब क्या है, सारांश क्या है, ये देखकर उससे हमेशा बच सकनी है। तो सभी के साथ समान व्यवहार होना ये आवश्यक है, ये इसमें से सारांश है इस कथा का, तो उसको भलीभांति ध्यान में रखना है। तस्य इमानि पूर्व रूपाणि भवन्ति तद्यथा प्रतिष्ठायाः श्वयतुः अभीक्ष्णः। तो इसके ये पूर्व रूप होते हैं, प्रतिष्ठाय वार वार क्षवतु श्लेष्म प्रसेकः मुख माधुर्य, तो मुख में माधुर्य, ये प्रमेय में भी है, अन्नना विनाशः, तो अन्न की अभिलाषा न होना, अभिलाष न होना। अभिलाष ये शब्द संस्कृत में केवल पुल्लिंगी है, अभिलाषा ये संस्कृत में है ही नहीं, ये मराठी में आ गया है, लेकिन संस्कृत में केवल अभिलाष ये शब्द है और वो पुल्लिंगी है। अन्न काले च आयासः, अन्न काले आयास, ये बड़ा अजीब लक्षण इस प्रकार का है थोड़ा सा, कि उसके श्रम होते हैं, खाना खाने के भी श्रम लगते हैं इस प्रकार से। वैसे कुछ लोगों में स्नान करने से भी श्रम होती है, स्नान करने के बाद थक जाते हैं इस प्रकार, तो इतना भी आयास सहन करने की क्षमता नहीं है ये समझ लेना चाहिए। दोष दर्शनम अदोषेषु अल्प दोषेषु वा भावेषु, पात्र उदक अन्न सूप अकूप उपदंश परिवेशकेषु, तो अदोषेषु अल्प दोषेषु वा भावेषु, जिसमें दोष नहीं है या अल्प दोष है इस प्रकार के, पात्र उदक अन्न सूप अकूप उपदंश परिवेशक, परिवेशक का मतलब है देखना चाहिए थोड़ा सा,
तो पात्र जो हो, उदक पानी हो, अन्न हो, सूप हो, अपूप हो, उपदोषय व्यंजन इसी प्रकार का है। इसमें अदोष या अल्पदोष होने पर भी दोष दर्शन, यानी ये दूषित हो गया है, खराब हो गया है वगैरह वगैरह। इसमें एक अजीब आया है कि अगर इस प्रकार की आशंका भी होती है तो भी वो त्याज्य है। कई जगह ऐसा होता है कि परुषितान्न होता है और जो औरत पहले देखती है उसको थोड़ा संदेह होता है कि ये ठीक है या खराब हो गया है, तो वो दूसरों को पूछती है, जरा देखो इसको सूंघो, थोड़ी टेस्ट ले लो और बताओ कि ये ठीक है या खराब हो गया है। तो दो तीन लोगों को दिखाने के बाद अगले सभी का मन हुआ कि नहीं नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो खाने के लिए हरकत न, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इस प्रकार से वो शंका दूषित हो जाता है, और शंका तो दूषित भी त्याज्य है। तो आपको आशंका आती है तो नहीं लेना है, ऐसा स्पष्ट कहा वहां पे कहा गया है। और अगर दोष दर्शन है ही, सच्ची है, तो नहीं खाना है, ये सबसे अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो एक वैद्य का किस्सा बताया गया था कि ऐसा ही कुछ परिवेषित और बासी खाना खाया था किसी मरीज ने। तो उसने कहा कि ठीक है मैं दवा देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अंजन भी दे देता हूँ। तो वो बोला अंजन क्यों? तो बोला ऐसा है ना कि तुम देखकर भी उस तुमने वो खाना खाया है तो तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, तो ये दृष्टि को सुधारने के लिए अंजन दे देता हूँ इस प्रकार से। और कोलटकर सर और परिवेशिकेशु भंडारी स्वयंपाकी, भूख लागल्यावर आयास असा असेल का, काले से मतलब हो सकता है कि भूख लगने पर आयास, इस प्रकार का थकान होना, और खाना खाने से ठीक लगना इस प्रकार से। लेकिन अन्न भोजन खाने ये भी ले सकते हैं इससे, और जब खाना खाते हैं तो भी इससे आयास लगता है इस प्रकार से। तो दातार गुरु जी और पलटकर सर कुछ फंक्शन था मेरे ख्याल में, ऐसा ही ये शायद कृष्णाष्टमी होगी और उनको पेढ़े खरीदने थे दादा जी। तो एक हलवाई के दुकान पर गए और तीन चार नमूने थे, उसमें से एक नमूना दातार गुरु ने सिलेक्ट किया और फिर कहा कि इस नमूने के पेढ़े मुझे अंदर से लाते थे। तो दुकानदार ने बात मान ली, उसने अंदर से पेढ़े लाकर उसको दे दिए। अब कोलटकर सर को बड़ा आश्चर्य लगा, तो उन्होंने बाहर निकलते ही उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि अंदर वाले पेड़ दे। तो दातार गुरु जी का कहना था कि ये जो पेड़े दिखाने के लिए रखे हैं उसके ऊपर नजर लोगों की पड़ती रहती, और ये दृष्टि दूषित तो हो सकता है कि किसकी नजर किस प्रकार की है हमें मालूम नहीं। कोई गरीब आदमी है, खाना खाने की इच्छा होती है और वो देखकर उसको लालच निर्माण होता है कि अरे मुझे मिल जाता कितना अच्छा हो जाता वगैरह वगैरह। तो ये नजर से दूषित इस प्रकार का हो गया, और इसलिए वो नहीं खाना है। अंदर वाला जो है, अभी उसके ऊपर भी बनाने वाले की या जो सर्व करने वाले उनकी नजर पड़ी रहती है, लेकिन वहां वो तो हरदम देखते रहते हैं, तो शायद उसका कुछ संबंध नहीं है। भोजन के समय एक श्लोक है कि अंजनी गर्भ संभूतं कुमारं ब्रह्मचारिणं दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतं स्मरामि। तो खास करके जब हम बाहर खाना खाते हैं किसी होटल में या किसी दूसरे स्थल पर, तो इस श्लोक को कहना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है, क्योंकि वहां भी बहुत सारे लोगों की नजरें हो सकती है। तो दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम स्मरामि, अब हनुमान का इसमें रोल क्या है ये मालूम नहीं है, लेकिन मारुति में यह शक्ति है कि उसका स्मरण करने से यह दृष्टि दोष दूर हो जाएगा इस प्रकार से। तो जब भी सामान खरीदना है बाहर से, किसी शॉप से कुछ लेके आना है खाने की चीजें, तब भी ये श्लोक कहेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अर्श मध्य अंजन आले आहे ते कसे काजे करे,
रेफरेंस बताओ मुझे कहाँ पे है ये, देखना पड़ेगा इस प्रकार से। हाँ और वैसे अभी ऐसा है थोड़ा सा कि औषध कोष के जरिए जो भी चिकित्सा जहां भी कही गई है, अगर हम चिकित्सा के दृष्टि से उसको देखेंगे तो शायद एक बात हो सकती है कि ऐसे जो और रेफरेंसेस हैं वो सामने आ जाएंगे कि अर्श ने इस प्रकार का अंजन अगर बताया गया, कोई विशिष्ट अवस्था हो और उसके लिए बताया गया हो वो अलग चीज रहेगी, जनरल इस प्रकार का तो नहीं रहेगा सर मुझे लगता है। फिर भी एक बार रेफरेंस देखेंगे फिर उसके बारे में बात करेंगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जेवण केल्यावर थकवा येतो, ताजं जेवण किंवा भाजी असेल तर त्यामध्ये सुद्धा दोष दिसतो, क्षयाच्या पेशंट मध्ये हे लक्षण बघितले आहे, मैंने भी देखे है। भक्षिका तृण केशादि पातक प्राय पान हो, ये भी बताया गया है, शायद आगे होगा इसके ये भक्षिका तृण केश वगैरह उसके पात्र में गिरते हैं और सिर्फ उसी के, 5 आदमी भोजन के लिए बैठे हैं, सिर्फ इसी के पात्र में इस प्रकार के केश वगैरह आते हैं, ये मैंने देखा है। और लोगों को पूछा है जब हमारा निदान राजा यक्ष्मा है तो ऐसा कुछ होता है क्या, ये पूछा है और वो पाया जाता है देखा जाता है। तो अभी ये जो पूर्व रूप के बारे में माधव निदान मधुकोश टीका में जो बहस हुई थी कि इस प्रकार से इस स्थान संशरण कृद्धा पाहवी व्याधि प्रबोधकम दोषाकुर्वन्ति दोषा कुर्वन्ति यल्लिंगं, दोष के बारे में उसने बहस की है कि ये जो केश वगैरह का पतन इसका दोष से कुछ संबंध नहीं है, ये थोड़ा सा चाहे तुम आधिदैविक आस्पेक्ट इस प्रकार से कहो या बादरायण संबंध रोग से होगा दोष से नहीं होगा, तो पूर्व रूप में ये जो पूर्व रूप बताया गया है उसका दोष से संबंध नहीं है, अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो कुछ भी किसी की भी व्यक्ति का कारण हो, किसी भी कार्य का कारण इस प्रकार का होने लगेगा और वो अनवस्था प्रसंग हो जाएगा, तो कार्य कारण भाव एक सीमित होना चाहिए, निश्चित रूप से उसमें हमें स्पष्टता देखी जानी चाहिए और ये दोषों से जुड़ा नहीं है क्योंकि ये पूर्व रूप बताया गया है और पूर्व रूप तक दोषाधिकार है, तो उन्होंने काफी बहस उसके बारे में की थी, हमने भी पढ़ी है कि सभी को याद है मुझे मालूम नहीं, लेकिन दोष के कारण ये अगर उत्पन्न हो रहा है ऐसा मानते हैं तो अनवस्था प्रसंग रहेगा इस प्रकार से। तो अल्पदोष या अदोष इस प्रकार के पात्र वगैरह के बारे में, अन्नपान वगैरह के बारे में दोष को देखना ये एक अहम चीज है। और अनिंदन, हाँ, भोजन करना है वो निंदा नहीं करनी, ये एक अहम मुद्दा बताया गया है, अगर निंदनीय भी है तो भी निंदा नहीं करनी, माना कि नमक ज्यादा हो गया कम हो गया, तीखा ज्यादा हो गया कम हो गया, कुछ भी इस प्रकार से, फिर भी ये क्या भोजन बनाया है इस प्रकार से इसके ऊपर रिमार्क्स नहीं देने हैं, मेरा आश्चर्य, मेरा एमफिल का जो थीसिस था संस्कृत में था और उस समय में जमाने में तो ये कंप्यूटर्स नहीं थे तो टाइपराइटिंग करना था, तो यहाँ डोंगरे करके एक वृद्ध आदमी थे तो मुझे बताया गया है कि वो संस्कृत का टाइपिंग ज्यादा अच्छा करते हैं तो उनके पास लेके जाऊं, तो मैं उनके पास चला गया और मेरा विषय था भोजन विधि एमपी का संस्कृत और पूरा किसी संस्कृत में था तो टाइप करते थे और समझते भी थे, अर्थ भी समझते, संस्कृत का ज्ञान अच्छा था, तो अनिंदन ये बात लिखी गई थी, तो बोले अरे बाप रे तो मेरा तो खाना भी नहीं, मेरा कुछ खाना ही नहीं होगा उनको अन्न को निंदा, अन्न की निंदा करने की इतनी आदत थी कि जब भी खाना खाने के लिए बैठते तब
पत्नी को कोसते हैं क्या खाना बनाया है, अच्छा नहीं बनाया है, इस प्रकार के। और फिर कन्या को कोस कोस करके खाना खाते। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल गलत है, तो आप ऐसा मत कीजिए, अन्न की स्तुति करें और खाना खाए, ये ज्यादा बेहतर इसमें कर रहेगा। यायो पित्तधरा कला सायो मज्जाधरा कला, यानी अर्श अंजन संबंध एक्सप्लेन करता है। ये थोड़ा मुश्किल है। अब ये एक बादरायण संबंध इस प्रकार से किया जाता है, पक्षाघाती विरेचन, स्नेह स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। और पक्षाघात वैसे बातें भी है। अभी नरेंद्र पेंडसे से बात कर रहा था तो बोल रहा था कि पक्षाघात में बहुत सारे आवरण जन्य बात है, आवृत तो बात है इस प्रकार से। और केस बाजारा करो जोड़ के, तो दोष उसमें दोष नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का दोषी तंत्र नहीं होना चाहिए। ये जो शेफ होते हैं उनको सब पे टोपी लगाना बहुत आवश्यक होता है खाना बनाते समय। और मैंने एक हमारे यहाँ भी गलती हुई थी, चौपरन बनाते समय किसी छात्र या छात्रा के बाल गिरे, उसमें एक दो के बाल थे, लेकिन च्यवनप्राश में वो मरीज को गया, पेशेंट को गया, तो वो वापस लेके आया इसमें बाल गिरे हैं। तो ठीक है, मैंने वो ले लिया और उसको दूसरा दूसरी बोतल दे दी। लेकिन हाँ, लोग सजग होते हैं और ये सही है। मैं नहीं मानता कि हमें इस प्रकार से उसके बारे में देखना नहीं है, हमें जरूर देखना चाहिए इसके बारे में। तो शुचिता ये एक अहम नियम है, चाहे आप खाना परोस रहे हो, चाहे आप औषधि निर्माण कर रहे हो, चाहे दूसरे किसी कार्य में व्यग्र हो, तो शुचिता होना बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो भोजन समय स्वेद प्रवृत्ति लक्ष्य हो है भोजन आयास या लक्षण से, ये शायद हो सकता है क्योंकि इस प्रकार के मरीज दिखते हैं। और अगर खाना तीखा है तो स्वेद प्रवर्तन होना ठीक है, लेकिन खाना तीखा न होने के बावजूद भी अगर स्वेद प्रवर्तन है तो शायद आयास और स्वेद निर्माण कर रहा है, ये एक बात हो सकती है। तो इस मुद्दे को जरा ध्यान में रखें। कल ये जो मकर बात की थी, मयूर मकर ध्वज सभी प्रकार के विषों के लिए फायदेमंद है, कृत्रिम विष के लिए भी फायदेमंद, तो मैंने कल तुरंत उसको प्रैक्टिस में लाया। और ये अभी जो केमोथेरेपी वगैरह लेने वाले लोग हैं, वैसे मकर ध्वज वैसे भी वृक्ष है और एक कैटालिटिक एक्शन भी उसको है, अभी पर वापरत नव्हता ना, वापरत आलं प्रीति इज गुण ऑफ शुक्र, क्षय मध्ये शुक्र आणि ओजः क्षय असतो, त्यामुळे सगळ्याच गोष्टीमध्ये अप्रीती दिसत असावी। ये टेंडन्सी होती है, थोड़ी सी आदत होती है इस प्रकार की। और वो समझते हैं कि वही सबसे अच्छा कार्य करते हैं, बाकी किसी दूसरे को उतना अच्छा कार्य करना नहीं आता। और फिर इसके जरिए दोष ढूंढना, ये उनका स्वभाव धर्म हो जाता है। और ये दोष ढूंढना थोड़ा अच्छा है, लेकिन सभी तरीके से अच्छा है इस प्रकार का नहीं है। मेरा भी यही होता था, अभी मैंने वो काफी उसके ऊपर नियंत्रण पाया कि जब कोई दूसरे का संस्कृत मैं सुनता तो तुरंत उसकी अशुद्धियां जो है, गलतियां है, वो मेरे ध्यान में आ। ये शंखम चक्रम जलौकाम श्लोक को लेकर काफी इस प्रकार की बातें होती थी, चारु दोर्भि चतुर्भि प्रकार के दीर्घ करते हैं, कटित विलसत चारु पीताम्बराढ्यम के बारे में, विलसत चारु पीताम्बराढ्यम इस प्रकार से करते हैं वगैरह, तो मैं आश्वस्त हो जाता था, अरे ये क्या किस प्रकार से उच्चारण करते हैं, ये बराबर नहीं है, उनको बताना चाहिए वगैरह इस प्रकार से। बाद में मैंने ऐसा सोचा कि ठीक है, मुझे तो मालूम है सबसे उच्चारण क्या है किस प्रकार से, मैं जब करूंगा तो गलतियां नहीं करूंगा, इतना मुझे करना चाहिए इस प्रकार से। लोगों में सुधार ला सकेंगे नहीं सकेंगे वगैरह अलग
इस प्रकार की है, और उसको सुधार करने की उसकी इच्छा है तो ही कुछ हो पाएगा। अगर सुधार करने की इच्छा नहीं है तो नहीं कुछ हो पाएगा। पितृ प्रकृति में अध्यापन दूसरे से मिस्टेक्स काटने की प्रवृत्ति जास्त आती है। तो इसमें अहंकार है, मुझे सब कुछ आता है और सामने वाला आदमी गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। तो फिर उसके बारे में सोचना कि महत्व किसको देना है, अगर दूसरे को बताकर वो परिवर्तन लाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो छोड़ देना है, ज्यादा उसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। खुदरानी नाटक में उदय देशपांडे ने ये बताया है इस प्रकार से कि एक होता राजा ऐसा वो कहते हैं, तो कहता है होता नहीं होता, एक होता राजा इस प्रकार से कहता है। तो दूसरा उसका मित्र कहता है, अरे ये होता न होता, लेकिन न होता इसमें तो हुआ आ गया, वहां पे न होता इस प्रकार का तो नहीं है। तो लिंग्विस्टिक्स ये अलग साइंस है, और इस प्रकार से होता संस्कृत मराठी से निकल गया, सुसंस्कृत मराठी से, लेकिन नहुता रह गया इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब है कि इस शब्द का प्रयोग कहाँ पे सही है और कहाँ पे नहीं है, इस प्रकार से आशय क्या है उसका ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर अगर दूसरा कोई गलती कर रहा है और हमें सुधारना है तो बताना ठीक है, ऐसी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बताने का तरीका क्या होगा ये थोड़ा अलग रहेगा। और जो अहम मानी व्यक्ति होते हैं उनका बताने का तरीका अच्छा नहीं होता, और फिर वो दूसरों के लिए कष्टदायक इस प्रकार का हो जाता है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर ऐसा है ही रस प्रीति का संबंध असावा कारण रस प्रदोष जो अश्रद्धा का मतलब क्या लेना, ये भी एक अलग बात होती है। श्रद्धा का एक अलग मतलब है और अश्रद्धा उससे भी जुड़ा हो सकता है। यहाँ जनरली अर्थ किया जाता है कि अन्न में रुचि नहीं है, अन्न के प्रति श्रद्धा नहीं है, इस प्रकार का अर्थ लिया जाता है। लेकिन शायद यह भी सवाल उठाया गया है, तो जिन लोगों में श्रद्धा नहीं होती है किसी भी चीज में, उनको ये रस प्रदोष विकार मानकर रस की चिकित्सा करेंगे तो उसमें लंघन ये महत्वपूर्ण बताया गया है। कफ और रस इनका साधर्म्य है इस प्रकार का है, सर्वम लंघनम औषधम इस प्रकार का बताया गया है, या रसपाचक का प्रयोग करेंगे तो श्रद्धा जो नहीं है वो शायद उत्पन्न। अभी वैद्यों में श्रद्धा नहीं है, औषध में श्रद्धा नहीं है, या हमारे कहने पर श्रद्धा नहीं है, तो इस स्थिति को कैसे समझे और उसको बदलने का कोई तरीका है? तो शायद ये बात हो सकती है कि रस दृष्टि का संबंध लेकर वहां पे चिकित्सा करे तो श्रद्धा उत्पन्न हो सके इस प्रकार से। वैसे इस प्रकार के जो भाववाचक शब्द है विभिन्न भावों को व्यक्त करने वाले मानसिक स्तर पर ज्यादा है, तो उनके सभी के बारे में अगर कुछ दवाइयां मिलती है या कुछ शारीर से उसका संबंध जोड़ा सकते हैं, जैसे ये अधीरत्व धीरत्व ये बात कही गई है, भय है और अभया है। हरित की अभया एक पर्याय शब्द है, अगर मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे इसका भय दूर करना है तो मैं अभया नाम से इसका प्रयोग करता हूं, या अगर अपतर्पण साध्य है तो, और अगर संतर्पण साध्य है तो शतावरी का अभिरु नाम से प्रयोग करना मुझे। तो कहाँ अभिरु का प्रयोग करना है, कहाँ अभया का प्रयोग करना है, मेरे ऊपर निर्भर है कि अगर मैं ये समझ पाता हूं कि अरे इसका भय दूर करना है लेकिन अपतर्पण भी करना है तो अभया ये अच्छा ऑप्शन है,
और इसका भय दूर करना है और संतर्पण करना है तो अभीरु या अच्छा ऑप्शन इस प्रकार का है। अगर वो मार्ग से भटक रहा है तो पथ्या ये ऑप्शन अच्छा है इस प्रकार का। अभी तक ये प्रयोग करें लेकिन पथ्या नाम से प्रयोग करें इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा सा अश्रद्धा मानस दोष असेल ना, दोष ही कहा जाएगा ऐसा नहीं है। संशय निर्माण होना ठीक है वैसे, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन न सर्वत्र विश्रद्धा न च शंकिता, ये जो बात बताई गई है कि सभी जगह इस प्रकार से श्रद्धा रखना और सभी जगह शंकित होना दोनों बुरे हैं, दोनों अच्छे नहीं है। तो किसके ऊपर श्रद्धा रखनी है, विश्वास करना है, और किसके ऊपर श्रद्धा नहीं करनी है, विश्वास नहीं करना है, इसके बारे में हमारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, शक नाम का एक पिक्चर था हिंदी, और इसी कल्पना पर आधारित था कि शक से क्या क्या हो सकता है इस प्रकार। वो मानसिक दृष्टिया वो एक अच्छी फिल्म थी मानस को व्यक्त करने के हिसाब से। तो सभी जगह अगर आप शंकित है तो आपको कभी भी समाधान नहीं होगा, आप कभी भी आनंद नहीं होगा, सब जगह आप ढूंढते रहेंगे, अरे ये हो सकता है, ये हो सकता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और सभी जगह आप अगर आप विश्वास रखते हैं तो भी मुसीबत हो सकती है, कुछ ठगाने वाले लोग भी रहते हैं समाज में, तो उनसे अगर पाला पड़ा तो पता चलेगा अरे नहीं हमने भूल की, इसके ऊपर विश्वास रखा और इन्होंने कार्य नहीं किया किस प्रकार से। तो श्रद्धा जो होनी है वो भली भांति होनी चाहिए कि मैंने परख लिया है और फिर श्रद्धा कर रही है, विश्वास रख लिया है, फिर आगे उसके बारे में सोचना नहीं। लोगों का क्या होता है कि एक बार श्रद्धा रखी है फिर भी कुछ प्रसंग हो जाता है तो लगता है अरे नहीं मैंने भूल तो नहीं की, मैंने इसके ऊपर विश्वास रखा और ये उसकी गलती तो नहीं है, इस प्रकार से दूसरे भी कारण हो सकते हैं, ऐसी नहीं इसकी सिर्फ उसकी गलती ही कारण हो, दूसरे भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारा उन कारणों की तरफ जाता ही नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी मानस भाव है उनका अगर शारीर भावों से अगर हम कर पाते हैं कुछ जोड़ इस प्रकार से, तो शायद बात बनती है कि हम औषधियों के द्वारा उसके बारे में परिवर्तन लाने के बारे में सोच सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बड़ा विषय इस प्रकार का है। और श्रद्धा व अश्रद्धा, अभी विज्ञान पर अंधश्रद्धा है ये भी है और प्राचीन बातों पर भी अंधश्रद्धा है, ये दोनों है, लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले केवल अंध जो आदिदैविक बातों के बारे में अंधश्रद्धा मानते हैं, विज्ञान के लिए अंधश्रद्धा नहीं मानते हैं। तो ये बड़ी गलती है, विज्ञान भी सभी जगह इस प्रकार से तुम्हें समाधान दे पाएगा, ये नहीं है, वास्तव नहीं है ये। तो कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिसके बारे में विज्ञान कुछ भी नहीं कह सकता, उसका कारण लॉजिक जो है वो बता नहीं सकता कैसे था, तो उसके ऊपर भी अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, ये एक बात है। और श्रद्धा का भली भांति प्रयोग करें ये भी एक अहम मुद्दा, प्लासिबो इफेक्ट की बात कही जाती है और ये केवल श्रद्धा के आधार पर प्लासिबो काम करता है ऐसा कहना है। इसका एक बड़ा अजीब उदाहरण गेटवे लगे, गेटवे लगे ने मेरे ख्याल में एक कैंसर के ऊपर अंग्रेजी किताब है और काफी अच्छी है, अलग किताब है इस प्रकार से। तो उसने एक पेशेंट का जिक्र किया था कि एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर और फिलहाल जो केवल प्रचलन में थे उसका कोई फायदा इसको हुआ नहीं था और दिन दो दिन उसकी तबीयत बिगड़ जा रही। तो किसी कंपनी ने ऐलान किया कि उनका नया केमोथेरेपी बाजार में आने वाला है, उसके पूर्व वो उसके ट्रायल्स लेना चाहते हैं, ये ट्रायल्स फ्री में रहेंगे, तो जिन किसी को इन ट्रायल्स में हिस्सा लेना है वो जरूर संपर्क करें कंपनी से। तो इस मरीज ने सोचा कि वैसे भी मेरे लिए अब कोई उपाय नहीं है और मेरे मरने का निश्चय है कि अब
बच नहीं पाऊंगा इसके पास। तो अगर ये नई दवा है और ये करता है तो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञा और अश्रद्धा अश्रद्धान इस प्रकार का जो संशयात्मा है वो विनश्यति इस प्रकार। ये सही है, इसलिए जानबूझकर श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, और ये निश्चित रूप से होगा ऐसा समझना चाहिए। अगर हो नहीं रहा है तो कोई दूसरे कारण इसमें होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी ऐसा कहा गया था कि मुस्लिम होने के हैसियत से बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था कि नहीं है, देश के विरोधी भी जा सकते हैं, लेकिन सारा भाई, विक्रम सारा भाई और इंद्रनाथ, इन दोनों को पूरा विश्वास था कि ये नहीं ऐसा कुछ करेंगे। और उन्होंने जो भारत के लिए योगदान दिया है, खास करके परमाणु के बारे में, एटम बॉम्ब के बारे में, वो अनूठा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम है इसलिए उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं हो सकती। अच्छे साइंटिस्ट है, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो करते रहेंगे, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है उसमें। तो सोच समझ कर विश्वास किसके किसके ऊपर रखना है, किसके ऊपर रखना नहीं है। वैसे बाकी हिंदू भी पकड़े जाते हैं जो जासूसी करते हैं, पाकिस्तान को देते हैं, उनको क्या, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो ये बात ऐसी नहीं है। जो भी इस प्रकार की व्यक्ति हो जो डेडिकेटेड टू नेशन इस प्रकार की हो, उनके बारे में कोई संदेह नहीं करना, ये बात अहम इस प्रकार की है। वाता च गृहिणी मध्ये देखिल वाता रुद्र गुल्मार्ष प्लीहा पांडित्य शंकिता। अभी ये शंकिता इस प्रकार का लिखा गया है वो एक अलग मुद्दा होगा। क्यों शंकिता, ये शंका किसको है, उस व्यक्ति को है या वैद्य को है? प्लीहा शंकी च मानवः, ये निश्चित रूप से उस मानव से जुड़ा, मरीज से जुड़ा इस प्रकार। अभी ये मुद्दा ऐसा रहेगा, कुछ मरीज ऐसे मिलते हैं कि उनको आशंका रहती है कि नहीं मुझे ये हुआ है इस प्रकार से, और फिर वही कारण हो जाता है और वो ठीक नहीं होती। मेरे पास एक लड़का था 18-19 बरस का, और उसका वजन कम हो रहा था, और मैंने जांच की तो मुझे कुछ नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ज्यादा सोच रहा है, और कारण उसका स्पष्टता थोड़ा सा विश्व मार्शल वगैरह इस प्रकार का था। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम इसमें परिवर्तन लाओ तो तुम सुधर जाओगे, लेकिन हो नहीं रहा था। और थोड़ा भी आपत्ति से हो जाता था, उसको आपत्ति सर हो जाता, ज्वर आ जाता, और फिर वजन और कम हो जाता। तो मैंने पहले उसको पूछा था कि तुम्हारे मन में कुछ आशंका है क्या? उसने कहा था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने 2-3 बार उसको पूछा क्या रे, तुम सच्ची बताओ, तुम्हारे मन में किसी रोग का भय है, किसी के बारे में आशंका है, ऐसा है क्या? तो फिर उसने मान्य किया कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कैंसर है। उन्होंने कहा कि मूर्खता मत करो, कैंसर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा खाना खाओ पियो, अभी विचार छोड़ दो तो तुम ठीक हो जाओगे। फिर उसने मेरी दवा छोड़ी, और 6 महीने के बाद वो एक सोशल फंक्शन में मुझे मिला, एक शादी में मिला, तो ठीक दिख रहा था। तो मैंने कहा कैसा है तुम्हारा? बोला अभी ठीक है। तो मैंने क्या क्या किया तुमने फिर? तो बोला मैं एलोपैथी चला गया, और सभी ने बताया कि एचवी सर्विस से काम बड़ा है, तो एचवी सर्वे का सर्विस है के पास। उन्होंने ढेर सारी इन्वेस्टिगेशन करे, लिवर बायोप्सी करवाई, जबकि लिवर में लीजन ही नहीं था,
और फिर कहीं भी कुछ भी कैंसर दिखने लगा। तो फिर उन्होंने उसको कहा कि ठीक है देखो, मैं तुम्हें जो आशंका है उसने पहले ही बात बता दी कि मुझे लगता है कि मुझे कैंसर है इसके पास, तुम्हारे मन में जो आशंका है वो उसका कोई सबूत नहीं है, तो ये बात छोड़ दो, अच्छा खाना पीना खाओ, तुम सुधर जाओ। और उस पर कैसे हो गया? तो मैंने कहा कि मैं मूर्ख ठहरा, कि मुझे लगा कि तुम मेरे बच्चों पर विश्वास रखोगे और ये भूल जाओगे कि तुम्हें कैंसर है इसके पास, लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग से निकली नहीं। और फिर ये इन्वेस्टिगेशंस के बाद तो सही, ठीक है तुम्हें लगा कैंसर नहीं है तो ठीक है, अच्छा है सुधर गए, मतलब क्या है कि किसी ना किसी तरीके से सुधर गए। दूसरी एक किस ऐसी थी, वो मेरे पास आया और मुझे कहा कि मुझे हिडन कैंसर है, अब ट्रीटमेंट करो। तो ये पहली बार मैंने प्रयोग सुना हिडन कैंसर, तो मैंने कहा कि किसने बताया तुम्हें कैंसर, तो बोले इतनी सर्वे से नहीं बताया। तो उन्होंने जब उसकी परीक्षा की तो उनको लगा कि इसको कैंसर, सभी प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस हो गए, कुछ भी निकला नहीं। फिर भी सरदेसाई सर ने खुद उनको बोल दिया कि कुछ भी निकला नहीं है नतीजा, फिर भी तुम्हें हिडन कैंसर ही है, तुम्हें कैंसर ही है, हिडन है अभी मालूम नहीं। अब ये बड़ी नौबत आ गई, इलाज क्या करेंगे, कैंसर है लेकिन इलाज क्या करेंगे, अगर हिडन कैंसर है व्यक्त ही नहीं है तो इलाज क्या करेंगे। तो किसी ने मेरे नाम पर सुझाव दे दिया उसको, वो मेरे पास आया कि मुझे हिडन कैंसर है, आप ट्रीटमेंट करो। मैंने पूरी हिस्ट्री ली और मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता है तुम्हें कैंसर, ये बात छोड़ दो। तो उसका विश्वास नहीं हो रहा था, 121 सर्जरी से बहुत ही बुजुर्ग आदमी और ना जाने वाने आयुर्वेद एलोपैथी के चिकित्सक, अभी वो भी नहीं रहे, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति ने ये निदान किया है और ये इतना युवा वैद्य, वो भी एलोपैथी का भी नहीं है, वो बता रहा है कि मुझे लगता है कैंसर है इसके पास, तो विश्वास कैसे करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है आप दवाइयां दे दो, इसमें दवाइयां ले, मैंने कहा ठीक है दवाइयां शुरू, थोड़ा ठीक था कि उसके ट्रांसफर हो गई चेन्नई प्रमोशन। अब इसमें 2 दिन वो मुझे सताता रहा, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या मेरी साइसी स्थिति है हिडन कैंसर है, अगर वो बढ़ गया तो क्या करेंगे वैसे। मैंने कहा तुम्हें हिडन कैंसर है, कैंसर है ही, तुम जाओ प्रमोशन है तो प्रमोशन गवाना नहीं चाहते हो तो तुम्हें जाना तो चाहिए, ऐसे वैसे करके वो चला गया चेन्नई तो। और वहां भी ये सिलसिला चालू रहा कि अब क्या करूं, अब अगर मेरा कैंसर जागृत हो जाता है तो कैसे करें। उसके जो जरिए ज्वरा और अतिसार हुआ उसको अस्पताल में दाखिल करना पड़ा वहां पे चेन्नई में, ठीक है दवाइयों से ठीक हो गया लेकिन रिक्वेस्ट ट्रांसफर उसको मिल गई, रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेकर फिर से पुणे में वापस आ गया। तो इसमें दोनों साध्य हो गए कि एक तो प्रमोशन भी हो गया उसका और चेन्नई से छुटकारा भी हुआ। फिर 1.5 बरस गया, फिर उसकी ट्रांसफर बंबई में हो गई और अभी आखिरी ट्रांसफर पे जो रिटायर होने वाला तो उसने कहा कि अब बंबई में जाओ या नहीं जाओ। मैंने कहा मुझे उस समय भी संदेह नहीं था कि तुम्हें कैंसर नहीं है, अब भी मुझे संदेह नहीं है कि तुम्हें कैंसर नहीं है, बंबई तो महाराष्ट्र में ही है, कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, तुम्हारी पत्नी भी जा सकते आ सकते हैं बंबई में रहने के लिए, किसी न किसी तरीके से वो तैयार हो गया बंबई जाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, रिटायर हो गया। और उसके बाद भी 3 बरस तक वो मेरी दवा लेते रहा, फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं उसको कैंसर नहीं है, फिर दवा बंद कर दी। तो ये काफी अजीब इस प्रकार का माहौल है कि लोगों की किस प्रकार सोच है। और अगर
श्रद्धा हो या अश्रद्धा हो किसी भी तरीके से, देख काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। श्रद्धा होती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट, क्योंकि उसका मन ही काम करने लगता है। अरे इस मध्य वैद्य के पास आए हैं, ये बहुत अच्छा वैद्य है, आप जो दवाई देंगे उससे तो मुझे ठीक ही होना है, बस इतने सारे लोगों का मैंने अनुभव सुना है, तो कोई मुसीबत ही नहीं है इस प्रकार से, तो ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। नाड़ी परीक्षा का ये एक अच्छा प्रयोग है। नाड़ी परीक्षा करके अगर आप लोगों को बता सकते कि ये लक्षण है तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन हो जाता है मरीज के ऊपर। फिर आप दवा क्या देते हैं, डायग्नोसिस क्या करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता, केवल आपसे दवा ले रहे हैं इसी कारण से वो आश्वस्त हो जाते हैं इस प्रकार से। नहीं, ऐसी बात हो सकती है कि मुझे किसी मरीज को देखकर ये डायग्नोसिस मेरा है ऐसा मेरा अंतर्मन कहता है। लेकिन सर्दे से के बारे में भी मैं मानता हूं कि उन्हें लगा होगा कि इसको हिडन कैंसर है, कैंसर है, स्पष्ट रूप से कहाँ है कैसे है दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हिडन कैंसर बता दिया उसने। लेकिन मरीज को डायरेक्टली नहीं बताते ना कि तुम्हें हिडन कैंसर है करके, ये कैंसर है इस प्रकार से। उसको अगर बताते कि ठीक है मुझे थोड़ा देखना चाहिए, दवाइयां चालू रखो, मिलते रहो 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, और देखते हैं तुम्हारा वजन बढ़ता है नहीं है, बाकी स्वास्थ्य कैसा है, तो मरीज वहीं पे टिक जाता, मेरे पास आने का कोई संभव ही नहीं था। लेकिन उन्होंने व्यक्त कर दिया उसके सामने कि नहीं तुम्हें कैंसर है इस प्रकार से, और कैंसर बताया और ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, किसी हिडन कैंसर है, ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो उसे उनको छोड़ना पड़ा। उसकी तो श्रद्धा थी उसके ऊपर, श्रद्धा से के ऊपर श्रद्धा थी उसकी, फिर भी अगर रास्ता नहीं दिख रहा है तो कैसे करेंगे, ये एक अलग बात इस प्रकार की होती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि किस प्रकार की श्रद्धा है इसमें, जो काउंसलिंग की बात की है, पराराधना पंडित होना चाहिए कि दूसरे को किस प्रकार से वश कर सकते हैं ये समझ पाना, ये बहुत जरूरी इस प्रकार का। जनस्याशय आलक्ष्य यो यथा परितुष्यति तं तथैव अनुवर्तेत। जिन कारणों से, जिन जिस जिन तरीकों से वो दूसरे में परिवर्तन ला सकता है, उन्हीं मार्गों का अवलंबन करना है, उन्हीं मार्ग पर चलना है। अगर आप इस प्रकार से बताने की कोशिश करेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें झूठी है, ये छोड़ दो, ये हिडन कैंसर वगैरह कुछ नहीं है, वगैरह, वो कैसे मानेगा? जिस व्यक्ति ने उसको बता दिया था, वो शायद अगर फिर से बता देंगे, नहीं मुझे लगा था लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कैंसर है, तो जल्दी ठीक हो जाता। लेकिन ये बात नहीं होती है इस प्रकार से। मरीज के साथ हम जब वार्तालाप करते हैं तो बहुत सावध होना जरूरी है कि हमारे कहने का कोई गैर मतलब वो नहीं निकाले, मरीज नहीं निकाले। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से सोचती रहती, आप कुछ भी बोलो, जिसको जो अर्थ निकालना है वो उसमें से निकालता रहे, और फिर आपको लगेगा अरे मैंने इस उद्देश्य से तो कहा ही नहीं था, ये इस प्रकार से किसने अर्थ पकड़ लिया इस प्रकार का, तो गलत सहमिया इसमें बढ़ती है और फिर काफी नुकसान इस प्रकार का हो सकता है। तो जो बात कहनी है वो स्पष्ट होनी चाहिए और कुछ संदेह की स्थिति इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं समझ पाते हैं किस प्रकार से बोलना है, क्या करना है इसे, और फिर उससे गलत सहमियां इस प्रकार की निर्माण होती है। तो व्यवहार में हमें इसके बारे में थोड़ा सजग इस प्रकार का रहना पड़ेगा। तो भावेशु पात्रोत्कान्न सूपो उपदोष परिपेवेशकेशु, इन सभी के बारे में श्रद्धा होना बहुत जरूरी, श्रद्धा होना बहुत जरूरी इस प्रकार के। मराठे गुरु जी का एक अच्छा अनुभव है इसके बारे में, तो उनके पास कोई सीखने के लिए आया वेदांत सीखने के लिए,
और वो चार्वाकवादी था मास्टर, और उसको क्या लगा कि इनको मैं आसानी से हरा सकूंगा मराठे गुरु जी, तो कहा ये सब झूठ है, शब्द प्रमाण वेद वगैरह ये सब झूठ है इसके पास। तो मराठे गुरु जी ने उसको पूछा कि अगर आपकी माँ ने आपको आवाज दे दिया और कहा गया है कि खाना खाने के लिए आ जाओ, तो आप क्या करेंगे, विश्वास करके जाएंगे या अविश्वास करके जाएंगे? तो समझ गया ये पकड़ने वाला है, अगर विश्वास रखे जाएंगे तो आप तो प्रमाण को मान्य कर दिया, अगर विश्वास नहीं रखेंगे तो माँ का पाप पर भी विश्वास नहीं है, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। तो बोला कि मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे खाना मिलेगा, ऐसा सोच के जाते हैं इस प्रकार से। तो फिर भी थोड़ा संदेह होता है कि नहीं होगा तो क्या होगा। तो मराठे गुरु जी ने तुरंत उसको तोड़ दिया, ठीक है तो हाँ आप अप्रामाणिक है, और हमारा शास्त्र कहता है कि अप्रामाणिक व्यक्ति को शास्त्र नहीं सिखाना, जो सही बात है उसको आप टाल रहे हैं, जो माँ ने बुलाया है तो आपके मन में निश्चित रूप से इसमें संदेह नहीं है कि खाना खाने के लिए जाना है, लेकिन केवल मुझसे बात करने के लिए आप उस पक्ष का आश्रय ले रहे हैं कि मुझे संशय होता है इस प्रकार से, तो आप अप्रामाणिक हैं और अप्रामाणिक लोगों के साथ में नहीं सिखाना है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा, आप चले जाइए, आपके पास आपके मन जो है तो आपके पास। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की है कि किसकी श्रद्धा किसमें है, नहीं है, क्या है, उसका आभार क्या है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, रुकते हैं, सारे देखता हूँ अपना दशरथ में समुच्चय के बारे में थोड़ा सोचेंगे, और परसों मैं चाहता हूँ कि आयुष डिपार्टमेंट के बारे में प्रेजेंटेशन आगे की मार्ग आगे का मार्गक्रम किस प्रकार से होना चाहिए इस प्रकार से। तो वह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अलग लेक्चर होगा, जो रेगुलर लेक्चर है वो नहीं लेंगे, वैसे मैं बहुत बरसों से गुरु पूर्णिमा को अलग लेक्चर देता आया था, दोपहर में होता है, लेकिन अभी सुबह के लेक्चर में भी उसको इंकार करेंगे। आपको दूसरे किसी को बताना है तो जरूर बता दे, ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काङ्क्षसुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। आज योग सूत्र नहीं है, मेरा दूसरा कुछ काम है, तो आज योग सूत्र नहीं रहेगा, अगले बुधवार को करें। ओम शांति शांति शांति।